आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो है मेरी सासू माँ बनाने जा रही है बहुत ही अच्छी एक स्पेशल डिश है जो आप लोगों ने भी खाई होगी और आप सबको पसंद भी बहुत होगी। तो मम्मी आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? यूपी का आलू का चोखा। अच्छा, यानी हम यूपी स्टाइल में बनाएंगे आलू का चोखा। और आलू का चोखा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मम्मी अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगी और आपको बताएंगी किस तरीके से आपको बनाना है। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। पहले डालना है इसमें आलू। हमने आलू लिए छह, उबले हुए छह आलू हमने यहाँ पे लिए मीडियम साइज के। अब उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? उसके बाद हमें टमाटर डालेगा। ये बॉईल किए हुए टमाटर है, उनका छिलका हमने निकाल लिया है। अब हम ये टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर डाले हैं बॉईल किए हुए टमाटर और उनका छिलका हमने निकाल दिया था। सो गाइस, अब हमने जो आलू और टमाटर थे उनको अच्छे से इस तरीके से मैश करना है। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम? इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्ची। हमने प्याज कितनी लिया? दो प्याज लिए और हरी मिर्चें चार हरी मिर्चें लिए। अब हम इसके अंदर दोनों चीजें ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर, और ये हमारा है धनिया पाउडर है। हमने इसको पहले भूना था, उसके बाद सिल बट्टे के ऊपर पीसा था। अभी हमारा कम से कम 2 चम्मच तो होगा, है ना? मीडियम साइज के 2 चम्मच हमने ये डाल दिया भुना हुआ धनिया पाउडर। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। और अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी मिर्च ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको लाल मिर्च पाउडर भी डालना है तो वो आपकी चॉइस है, वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे मम्मी? कच्चे तेल, सरसों का। अब सरसों का इसमें डल जाएगा कच्चा तेल। ये सबसे ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट इसका होने वाला है, बिना इसके तो स्वाद आने वाला नहीं है आलू के चोखे में। तेल हमने डाल दिया 1 चम्मच। अब इस सबको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, हमारा आलू का चोखा बनके तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।